नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीटें हैं। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों में जीत मिली थी। वहीं 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई है। आयोग अब इन 8 सीटों के 92 पोलिंग स्टेशनों पर इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच करेगा। इसके अलावा आयोग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की भी जाँच के आदेश दिए हैं। आयोग यहां के 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच करेगा। नीट और एनईटी यूजीसी एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने गुरुवार 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे। राहुल ने ये भी कहा, पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। जब तक इसे पलटा नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक जारी रहेगा। मोदी जी ने यह होने दिया है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 32 से 35 इंच हो गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून एक साथ अपना असर दिखा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 48 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आज अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। कई जिलों में आज प्री मानसून की हुई मूसलाधार बरसात से भीषण गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आंधी, हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में 24 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां से उन्होंने आतंकवादियों और उनके आकाओं को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि ये लोग आज अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं, दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार सुबह डल लेक के किनारे करीब 7,000 लोगों के साथ योग करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे आज शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें आज ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड केस में एमटेक ग्रुप के 35 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने यह दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र में यह कार्रवाई की। ईडी ने कहा कि इस धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईडी की जांच एमटेक ग्रुप की एक यूनिट ACIL लिमिटेड में केंद्रीय जांच ब्यूरो की FIR के आधार पर और धोखाधड़ी की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू हुई। राजस्थान में गुरुवार दोपहर में अचानक मौसम में बदलाव हुआ। इसका सबसे ज़्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर पाई। इस दौरान जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यात्री घबराकर फ्लाइट में ही रोने लगे। इसके बाद फ्लाइट में मौजूद स्टाफ ने यात्रियों को शांत करवाया। वहीं जयपुर से दिल्ली की फ़्लाइट अपने निर्धारित समय से 3 घंटे बाद भी टेक ऑफ नहीं हो सकी। इंडिगो की फ़्लाइट गुरुवार सुबह 11:05 पर जोधपुर से उड़ान भरकर 1 घंटे 15 मिनट बाद दोपहर 12:20 पर
जयपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान ने दोपहर 12:02 पर जोधपुर से उड़ान भरी और विमान दोपहर 1:42 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में खाली हुई 5 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इन सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन राजस्थान निर्वाचन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। अभी तक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रवीण गुप्ता की जगह अब नए अधिकारी को उनकी जगह लगाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद गुप्ता की जगह वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नवीन महाजन को प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम आवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन एवं आभार समारोह में ऐलान किया कि युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रिक्तियों को भरा जाएगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में युवाओं की आवश्यकता है वहां रोजगार सृजित करते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। बूंदी के खेल संघों में कई साल से जमे हुए पदाधिकारी अब हटेंगे, उनकी जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही खेल संघों में अब 25% खिलाड़ियों को भी लिया जाएगा। इसके लिए बूंदी सहित पूरे राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 लागू किए जाने की तैयारी की गई है। सितंबर तक यह कोड लागू किया जा सकता है। अब 70 साल से ज़्यादा की उम्र वाले खेल संघों में पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। खेल संघ एसोसिएशन में 25% खिलाड़ी शामिल करना जरूरी होगा। खेल संघ में कोई पदाधिकारी 8 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर चंद्रशेखर शर्मा व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक प्रदीप लखावत, जेलर हरवंत एवं अन्य कारागृह के कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा व उनके लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद में कांकरोली स्थित श्री पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश मंदिर आम्रकुंज का मनोरथ किया गया। प्रभु श्री द्वारिकाधीश को आम्रकुंज में विराजित कर 1500 किलोग्राम आम का भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर मनोरथ का आनंद लिया। इस अवसर पर मंदिर के रतन चौक परिसर को बगीचे की तरह सजाया गया, जिसमें आम की टोकरियां रखकर प्रभु को भोग लगाया गया। इस मनमोहन झांकी में प्रभु द्वारिकाधीश को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। रणथंभौर हेरिटेज सोसाइटी का उपाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह को नियुक्त किया गया है। अभिमन्यु सिंह की नियुक्ति पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। रणथंभौर हेरिटेज सोसाइटी के सचिव कैलाश चंद्र जैन ने बताया कि अपेक्स रणथंभौर सेविका के जनरल मैनेजर अभिमन्यु सिंह वर्षों से रणथंभौर हेरिटेज सोसाइटी का काम देख रहे हैं। उनकी सामाजिक सेवा को देखते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष ओम अग्रवाल की सहमति पर उन्हें सोसाइटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रीवैल्यूएशन के नाम पर होने वाली वसूली को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस ने मौके से 5 छात्रों को हिरासत में भी लिया। गुस्साए छात्रों ने प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी में सुबह 11:00 छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। छात्रों ने एडम ब्लॉक के गेट पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ छात्र प्रशासनिक भवन में घुस गए और गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शन को देखते हुए गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस टीम ने एडम ब्लॉक में धरना दे रहे 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया।
राजस्थान का बहुचर्चित राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड जिस व्यक्ति की सूचना के चलते खुला, वो मुखबिर हनुमान सहाय आज भी अपने हक की जमीन के पट्टे के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। गुरुवार को हनुमान सहाय ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। हनुमान बागड़ा और दूध वाले के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सूचना पर ही करीब 29 साल पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया था। इसकी एवज में सरकार ने इन्हें 700-700 मीटर के दो प्लाट देने की घोषणा की थी। इन्हें जमीन तो मिल गई, लेकिन जमीन के पट्टे के लिए आज भी जेडीए के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।